हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक्साइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लॉगरिथम पे बेस्ड होगा। देखो 14 में क्या करेंगे, कॉस एक्स पे पावर वाई दिया है और इधर बच्चों दिया है कॉस वाई पे पावर एक्स। इसमें डायरेक्ट आप दोनों तरफ क्या करो, लॉग लगा दो। ठीक है, देखो लॉग लगाओगे तो बनाना आसान होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि बेसिक डिफ्रेंसिएशन का कोई फार्मूला यहाँ पर सेट नहीं करेगा, तो आपको लॉग लगाना पड़ेगा। तो लॉग कॉस एक्स पे पावर वाई बराबर लॉग कॉस वाई पे पावर एक्स हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो वाई लॉग कॉस एक्स बराबर एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक है, अब आप दोनों तरफ क्या करो, सिंपली डिफ्रेंसिएशन कर दो, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाय यहाँ पे डी एक्स करोगे तो लॉग कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस डी लॉग कॉस एक्स का आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू वाई करना पड़ेगा। इज इक्वल टू यहां वाला टर्म को ले रहे हैं डी एक्स बाय डी एक्स करेंगे तो इंटू लॉग कॉस वाई हो जाएगा। फिर देखो बच्चों यहाँ पे डी लॉग कॉस वाई अगर करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, और डी कॉस वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू एक्स करना होगा। ओके, अब देखिए क्या किया जाए, डीवाई बाई डी एक्स रहने दो, डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स यहाँ पे देखो क्या करोगे, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है तो यहाँ पे 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का देखिए माइनस साइन एक्स होता है इंटू वाई। ठीक, और प्लस इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 इंटू लॉग कॉस वाई, और फिर देखिए लॉग का 1 बाय कॉस वाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस साइन वाई होगा, और इधर देखो डी वाई बाय डी एक्स होगा इंटू एक्स, ये है ना। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे dy by dx log cos x रहने दो, और यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और y sin y cos बच्चों 10x होगा। इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए log cos y, और यहाँ पे भी देखो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस प्लस, और x तो लिख लिए sin y cos 10y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बच्चों dy by dx। ठीक है, तो देखिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करो ना, dy by dx वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, तो देखो dy by dx log cos x तो रहेगा ये वाला, और इसको उठा के इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो देखो ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, तो x tan y dy by dx इज इक्वल टू, देखिए अब क्या करोगे, log cos y को यहाँ रहने देते हैं और माइनस वाई टेन एक्स को राइट साइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा log cos y और माइनस टेन एक्स इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस टेन एक्स। ठीक है, प्लस वाई टेन एक्स हो जाएगा, प्लस वाई टेन एक्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वाई टेन एक्स था। अब आप क्या करो ना, dy by dx कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, log cos x और ये हो जाएगा x tan y बराबर log cos y प्लस y tan x। ठीक है, अब देखो आराम से dy by dx निकाल सकते हो ना, इसलिए dy by dx कितना हो जाएगा, log cos y प्लस y tan x और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों log cos x प्लस x tan y। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। चलिए आंसर हो गया इसका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नोट कर लेंगे, ऐसे इरेज कर रहा हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो यार, बाद में नोट कर लेंगे आराम से। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनाइएगा, 15 में देखिए कह रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे भी दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, तो लॉग
ले लो पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स वाई बराबर लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखेंगे और इसको लिखोगे वो एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। अब लॉग बेस ई जो होता है ना उसकी वैल्यू वन होती है, तो आप इसका मान वन भी रख सकते हो यहाँ पर। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वन। अब आप क्या करो ना दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या होगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स कर दो, यहाँ पे देखो डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब आप क्या करो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, पहले डिफ्रेंसिएशन कर लो, नहीं वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लाओ, वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स बराबर वन माइनस वन अपॉन एक्स। अब क्या करो ये दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा वन अपॉन वाई प्लस वन बराबर वन माइनस वन अपॉन एक्स। अब क्या कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर ले ही लिए हैं आप, तो यहाँ पर ना एलसीएम ले लो, देखो इसके वन के बट्टा में वन है तो एलसीएम हो जाएगा कितना वाई, तो ये वन प्लस वाई हो जाएगा वन प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस वन। इसलिए आप यहां से निकाल लो डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स देखो वाई ऊपर आएगा तो वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन बट्टा वाई प्लस वन। इस तरीके से हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, नोट कर लेंगे।